अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, उसका यूज क्या है, कैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है, कंप्लीट में ये छोटा सा टॉपिक है। आप लोग बस इसी ही लर्न कीजिएगा आज के लिए, और आपने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है। और आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेवेंट, ठीक हो गया। सो इसमें आपके पास सबसे पहले ये है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर बेसिकली कहते हैं कि अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। अगर हम बात करें कि मेन जो आपके पास, जो हम किसी से कोई चीज लेते हैं, जैसे कि आपके घर अगर दूध वाला आता है, तो जब आप दूध लेते हैं तो वो दूध वाला जो होगा वो क्या होगा, एज ए सर्वर होगा, और आप क्या होंगे, उसके क्लाइंट। जैसे आप शॉप पे जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है तो शॉपकीपर क्या होगा, एज ए सर्वर, और आप क्या होंगे, एज ए क्लाइंट। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा कि क्लाइंट और सर्वर क्या चीज होती है, ठीक है। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वायर्स सम सर्विसेज फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट्स एज अ सर्वर। क्या होते हैं, कोई एक मेन एप्लीकेशन होती है जहां से हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हम लोग किससे रिक्वायर्ड करते हैं, वो किसी सर्वर से रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट बेसिकली आपके लिए सर्वर होगी जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जबकि आप मतलब जो है खुद जो जा रहे हैं वो क्या होंगे, एज ए क्लाइंट जा रहे होंगे, ठीक हो गया। When we access a website, जब हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, we get contents on our screen served by a server। तो हम लोग फिर contents जो है वो कहाँ पर हासिल करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो सर्वर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। Our emails are also there on some server। हमारे जो emails हैं उनका जो सारा जो data है वो किसी ना किसी server पर store किया जाता है। जैसे WhatsApp है, WhatsApp का ऑल ओवर जो आपके पास रिकॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं सर्वर पर सेव किया जाता है। Facebook एक एग्जांपल है, अगर आप लॉग आउट भी कर दें, आप दोबारा से लॉग इन करें, तो आपका जो सारा डाटा है वो दोबारा से आपके मोबाइल में अपेयर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं पर उसको सेव किया जाता है। वो सेव जहां पर किया जाता है वो जगह कौन सी होती है, आपके पास क्या होगी, सर्वर कहलाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास, एंड व्हेन वी प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, ईमेल्स वगैरह जो है, हमारा डाटा वगैरह कब हमें रिकवर होता है, कब मिलता है, जब हमें क्या करें, यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो वहां पर प्रोवाइड कर दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास, सर्वर वेरीफाइज क्रेडेंशियल्स एंड सर्व्स आवर ईमेल रिकॉर्ड्स। तो सर्वर जो है हमारी जो चीजें हैं मेन, उनको वेरीफाई करता है, और उसके बाद हमें क्या करता है, हमें रिकॉर्ड जो वो सर्व करता है। ईमेल यूजर इन दिस एग्जांपल इज अ क्लाइंट एज शोन इन द फिगर 3.6। जैसे कि आपके पास ईमेल यूजर है, वो क्या है, आपके पास एग्जांपल है किसकी, जैसे कि फिर पिक्चर में बताया गया है, ये आपके पास इसका सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये क्या है, डिफरेंट आपके पास 3 क्लाइंट, मोबाइल है, लैपटॉप है, या आपका कंप्यूटर है, ये तमाम ऐसे क्लाइंट वर्क करेंगे। और जहां से ये डाटा ले रहे हैं, जैसे हम कोई मूवी पिक्चर या कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, तो वो बेसिकली कहां से डाउनलोड करते हैं, किसी भी सर्वर से। सो उसके बाद आपके पास क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली होता है कि इज अ प्रोसेस दैट एक्सेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनको जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो वो क्या होता है, एज अ क्लाइंट एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। जब हम किसी भी वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं, क्रोम को, सफारी को, मोज़िला को, कोई भी, तो वो एज अ हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट। तो अपना वर्क करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ब्राउजर को एज अ क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस लाइक गिविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। जो क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो एक्शंस लिए जाते हैं, और जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद ही आपके जो डाटा पर जो है एक्शन लिया जा सकता है कि आया को आपको वो डाटा जो शो करना है या नहीं। सो इट फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर व्हिच इज रिटर्न प्रोवाइड्स जी रिक्वायर्ड सर्विस। क्या होता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सर्वर को पहले सेंड की जाती है, फिर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया कि जो क्लाइंट है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि इन जनरल आपके पास क्लाइंट हार्डवेयर इज एज शोन इन द
3.6, ये सारा आपके पास जो प्रोसेस बताया गया, ये तीनों आपके पास क्या है, हार्डवेयर। बट इस मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी, एज अ सॉफ्टवेयर। इस लैपटॉप के अंदर जो एप्लीकेशन है वो एज अ सॉफ्टवेयर होगी। तो आई थिंक आप मेरी बात जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आपके पास लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर शोन एज क्लाइंट, बट इन पर्टिकुलर द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर इज द प्रोसेस विच मेक इट्स एज अ क्लाइंट। तो अगर आप किसी मोबाइल के अंदर उसका क्या है, एंड्रॉइड के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, उसको एज अ क्लाइंट जो है वो वर्क करने के लिए अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट। तो बेसिकली सर्वर जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल कंप्यूटर है जो क्लाइंट की जो नीड्स होती है उनको बेसिकली फिलअप करने के लिए क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज दैट इज रनिंग, जो सर्विसेज आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर रन हो रही होती है ये उन पर डिपेंड करते हैं। एंड इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और अ वेब सर्वर। तो ये क्या हो सकता है, ये फाइल सर्वर भी हो सकती है, या डेटाबेस सर्वर, या आपके पास प्रिंट सर्वर, या फिर वेब सर्वर। किसी भी तरह से जो है सर्वर जो है वो अपनी जो फंक्शनैलिटीज है या जो आपने रिसोर्सेज है उनको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक जो कि आप लोगों ने लर्न करना है एज अ क्वेश्चन। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइशन ये है कि सबसे पहले आप लोग क्लाइंट सर्वर के बारे में लिखेंगे। तो क्लाइंट सर्वर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ लाइंस जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास है। सबसे पहले आप ये कर लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हाइलाइशन में प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो पिक्चर है ये इतनी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि न्यू बुक आई थी, ये लीक बुक है, इसके अलावा कोई और वर्जन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लर्न करनी है अच्छी तरह से। ये देखिए, विच एक्ट्स एज अ सर्वर, जो सर्वर की तरह काम करते हैं व्हेन वी एक्सेस एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम लोग यहाँ पर अवर स्क्रीन सर्व बाय द सर्वर्स। अब यहाँ तक कर लें, उसके बाद बेसिक एग्जांपल कर लें, ये चीज़ आप हाईलाइट करें, अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद आपके पास ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट को आप लोगों ने लर्न करना है, और उसके बाद क्या करना है आपने, सर्वर। तो क्लाइंट की हाईलाइशन ये होगी कि आप सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन जो है, क्लाइंट दैट एक्सेस एज अ सर्वर, उसके बाद प्रोवाइड बाय अ सर्वर, जो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ये एग्जांपल है, ये आप लोग कर लें, टू चेक ईमेल वी यूज ब्राउजर एज अ क्लाइंट, द क्लाइंट प्रोवाइड अ यूजर, क्या किया जाता है, यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस, ये चीजें आप लोग कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट है एज अ, मतलब आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। आप यहाँ तक कर लें, इट फॉरवर्ड्स, और उसके बाद रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच रिटर्न प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस। ठीक हो गया, ये आप लोग कर ले। उसके बाद आप लोग जो है नेक्स्ट जो आप लोग करेंगे, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके पास, जो क्लाइंट एज अ हार्डवेयर जो होता है, ये सिंपल से डेफिनेशन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट एज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एज अ हार्डवेयर अलग से डेफिनेशन आएगी, क्लाइंट एज अ सॉफ्टवेयर जो है अलग से डेफिनेशन आ सकती है। तो ये आपके पास जो है क्लाइंट हार्डवेयर एज शोन इन द एग्जाम, ये तो आप क्या नहीं लिखेंगे, जो फिगर का नेम है। उसके बाद सेल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर शोन एज द क्लाइंट, और उसके बाद क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्लाइंट क्या होगा, बट इन पर्टिकुलर जो रनिंग आपके पास जो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसे क्या करते हैं, एज अ क्लाइंट बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास सर्वर है, इस सर्वर को आप लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट है टॉपिक, तो आप ये इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आना चाहिए, फिर भी अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।